आज मैं बनाने वाली हूँ बटर नान, जिसके लिए इस कटोरी के मैं 3 कटोरी मैदा ले लूँगी। और 1 पिंच नमक, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चम्मच शक्कर। और 3 चम्मच दही लेंगे और उसको अच्छे तरीके से फेंट के डालना है और सबको मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से आटा लगा लेंगे। देखिए ये हो चुका है। अब इसके ऊपर कोई भी रिफाइंड ऑयल लगाकर इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे। इस तरीके से चारों तरफ लगा लेना है। बस देखिए 1 घंटे के बाद मैं निकाली, ये बहुत सॉफ्ट हुआ। अब लोई बना लेंगे इसको। अब इसको तेल लगा के बेलना है। वैसे नान का तो कोई शेप नहीं होता, आप कोई भी शेप पे बेल लीजिए। मैं इस तरीके से बेलूँगी। थोड़ा पतला बेलिएगा, मोटा नहीं होना चाहिए। अब नान की एक साइड पानी लगाना है ताकि ये तवे में डालने पर चिपक जाए। तवे को गर्म होने के लिए गैस पे रख दीजिएगा। तवा गर्म हो चुका था, अब नान को इस तरीके से डाल देना है। अब इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। देखिए ये एक साइड पक चुका है। अब इसको दूसरी साइड ऐसे पलट कर पका लेंगे। देखिए ये दूसरी साइड भी पक चुका है। अब इसको इस तरीके के चम्मच से निकाल लेंगे। और इसको गरम गरम में ही बटर लगा लेंगे। ये होममेड बटर है, मैं घर पे ही बना लेती हूँ। देखिए इस तरीके से इसको लगा लेना है। बस आपका नान रेडी है। इस तरीके से मैं सारे नान बना लूँगी। देखिए मैं सारे नान बना ली। ये बहुत ही सॉफ्ट बना था, आप लोग भी ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा बना।